हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एकदम नए तरीके से करेले की सब्जी। फ्रेंड्स, आप इस तरह से करेले की सब्जी बनाएंगे ना तो आपके घर में सभी लोग उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। जो लोग करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाना बल्कि देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वो भी आज से आपके घर में करेला खाना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है। चलिए इन करेलों को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर ये 500 ग्राम करेले। करेलों को मैंने अच्छे से साफ पानी से धो के इस तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, इनका जो छिलका है मैंने निकाला नहीं है, छिलके समेत ही हमें इनको कट करना है, क्योंकि छिलके में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, वो निकल जाएंगे, इसलिए हम इनको इसी तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप एक और इस तरह से बना के देखिएगा, आपको लगेगा कि छिलके में बहुत कड़वापन होता है, बट बिल्कुल भी कड़वापन नहीं बनेगा, बहुत ही टेस्टी करेले बनेंगे। इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। नमक इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, तो इसमें मैंने बड़ा चम्मच भर के नमक डाल दिया है। तो अब हम सारे करेलों को अच्छे से मिक्स करेंगे नमक में। तो इस तरह से थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। टॉस करने से सारा नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो स्पून से या हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नमक सारे करेलों पर अच्छे से कोट हो गया है, बिल्कुल बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे, करेलों को हम इसी तरह से छोड़ देंगे कवर करके कम से कम आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटे के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसमें क्या करेंगे, बीच में एक बार करना है कि इस तरह से करेलों को हम थोड़ा सा और हिला देंगे, इस तरह से बस थोड़ा सा हिलाना है। तो अब मिलते हैं आधा घंटे के बाद। करेलों को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकल गया है नमक की वजह से, यानी कि इनका जो कड़वापन है वो इसमें से निकल चुका है। मैंने इसको इस तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हिला दिया था। आप देख सकते हैं साइज में भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए, यानी कि थोड़े से कम हो चुके हैं पहले से। इस तरह से रखने से क्या होता है कि इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमें इसको धोना है अच्छे से 2 से 3 बार तक, जिससे कि इसमें नमक का टेस्ट भी निकल जाएगा और कड़वापन भी इसमें से निकल जाएगा। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो इस तरह से पानी डालने के बाद अच्छे से हमें करेलों को इस तरह से थोड़ा सा मसल देते हैं हाथों से, जिससे कि इसका कड़वापन और नमक इसमें से निकल जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर करेलों को 3 बार तक धो लिया है। मैंने इनको एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में सारा पानी इसमें से निकल जाएगा, उसके बाद ही हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अब हम रखेंगे गैस ऑन करके कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। मैं यहाँ पर ये सरसों का ऑयल ले रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना, वही ऑयल आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि करेले की सब्जी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल इसमें डाल दिया है। सरसों के ऑयल में सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सरसों के ऑयल में थोड़ी सी धस होती है, तो अभी हम गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं। हाई फ्लेम में हमें इसको थोड़ा सा धुआं निकलने तक गर्म करना है। जब इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो अभी हम इसको अच्छे से धुआं निकलने तक इस तरह से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे 10 से 12 सेकंड्स के लिए, जिससे कि रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। तो इसमें से धुआं निकलना बंद हो चुका है, मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है। अब हमने जो करेलों को भी रखा था, इनमें से सारा पानी निकल चुका है, तो अब हम करेलों को इसमें डाल देंगे। अब हम करेलों को अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देते हैं। अब हमें करेलों को 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करना है ऑयल में ही। फ्रेंड्स, करेले बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, और मैंने इनको ऑलरेडी पतला पतला काटा हुआ है, तो ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएंगे। तो सिर्फ 3 मिनट के लिए पहले हम इनको इसी तरह से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले हम अकेले ही इनको इस तरह से थोड़ा सा चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। बीच बीच में इनको लगातार चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस तरह से पलटते पलटते रहेंगे, जिससे कि सारे करेले दोनों साइड से अच्छे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है करेलों में, तभी हमारी जो सब्ज़ी है टेस्टी बनती है। तो करेलों को मैंने यहाँ पर 3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं करेलों का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो गया है। और इस तरह से जब हम करेलों को चेक करेंगे तोड़ के, ये देखिए, तो हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ये 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ले ली थी। प्याज को मैंने इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा चॉप कर लिया है। प्याज को डाल देंगे।
मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना बता रही हूँ आपको। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करेला बनता है। प्याज को भी अच्छे से इसमें मिला देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इस टाइम पे ये सारी चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, अभी सारी चीज़ें ऑयल में ही पक रही हैं, तो जो हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी अच्छे से इसी में पक जाएगा। तो ये चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर करके रख देते हैं 2 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और जो हमारे करेले हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत करेले पहले सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इस तरह से कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। बीच में हम इनको एक बार चेक कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इनको पलट देंगे। तो प्याज लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, बाकी के मसाले हम बाद में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और आधी चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं। ये मसाले मैं इसलिए डाल रही हूँ इस टाइम पे, इससे कि हल्दी के पाउडर से कलर अच्छा आ जाएगा इस टाइम पे डालने से, और नमक डालने से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सभी मसालों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले से इनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से टूट रहा है, यानी कि अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, थोड़े बहुत अभी ये हल्के से कच्चे हैं अभी। तो मैंने ले लिया है था यहाँ पर 1 कच्चा आम, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। फ्रेंड्स मैं आपको 2 ऑप्शन और बता देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, या आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ों से आप एक चीज़ इसमें ऐड कर लीजिए। खट्टेपन के लिए डाल रहे हैं, खटाई डालने से क्या होता है कि इसमें थोड़ी बहुत कड़वापन होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो मैंने यहाँ पर खट्टेपन के लिए इसमें कच्चे आम का यूज किया है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मीठापन। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मीठेपन के लिए आधी चम्मच चीनी। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि करेलों में चीनी का क्या काम, बट फ्रेंड्स इस तरह से बना के तो देखिएगा एक बार। इससे करेले मीठे नहीं होते हैं, बट इसका जो टेस्ट है ना, इसका जो फ्लेवर है सारी चीज़ों का, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपको बिल्कुल भी कड़वा लगेगा और थोड़ा सा खट्टा मीठा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने लगेगा थोड़ा थोड़ा सा। तो ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधी चम्मच ही चीनी मैंने इसमें यूज की है। अब हम चीनी को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें कुछ बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर। अब हम इन मसालों को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, हमने इसमें सारी चीज़ें डाल रखी हैं, बस लास्ट में हम थोड़ी सी धनिया की पत्तियां और यूज करेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, फिर से इनको हम कवर करके पका लेंगे 2 मिनट के लिए, और बीच में हम इनको एक बार अच्छे से स्टर्न कर देंगे, यानी कि इनको अलट पलट देंगे, जिससे कि बिल्कुल भी अच्छे से पक जाएंगे। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इनको पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम फिर से सब्जी को चेक कर लेंगे। मैंने इनको एक बार बीच में स्टर्न कर दिया था, तो इस तरह से थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे इनको। अब मैं आपको फिर से करेले को तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए करेला बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए काफ़ी आसानी से टूट रहा है, अभी थोड़ा सा गर्म है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से टूट गया है करेला, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फ्रेंड जो मैंने इसमें कच्चा आम डाला ना, उसकी वजह से इसमें खट्टापन आता है, और मैंने इसमें हल्की सी चीनी डाली है उसकी वजह से थोड़ा सा मीठापन आता है, और करेला भी अच्छे से फ्राई हुआ है, थोड़ी सी प्याज डाली है उसकी वजह से भी इसमें हल्का सा मीठापन जैसा आता है। तो इतना टेस्टी लगता है ना ये, कि जो लोग आपके घर में करेले नहीं खाते हैं ना, वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। आप इन करेलों को पूरी के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ, यानी कि आप इनको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये देखिए करेले की सब्जी बिल्कुल परफेक्ट हमारी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा कलर आया है इसका। आप चाहे तो इसमें गरम मसाले का यूज भी कर सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम बढ़िया स्टाइल में बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें गरम मसाले का यूज नहीं कर रही हूँ। अब हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं, इनको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे।
तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको गर्मा गर्मी सर्व करें या फिर ठंडा सर्व करें, दोनों तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको इस तरह से एक बार बना के स्टोर करके भी आप इसको 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस एक बार में आप ज़्यादा से करेले बना के रख लीजिए, फ्रिज में आप इसको स्टोर कर दें 3 से 4 दिन के लिए, बल्कि और इसको 5 से 6 दिन का भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बट इनको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। तो हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में एक और इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि खाने के बाद आपके घर में इनको सबको कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।